बिटिया पहिनी गोरी बिटिया हो गईली पियरी पहिनी लड़को मथवा बन्हाई गोरी अरे हो गईली झरेलवा अरे तकली सिवा नवा की ओर अरे बोला बोला तकली सिवा नवा की ओर अरे हाय हाय तकली सिवा नवा की ओ नून दे ब मंगनी होटल दे ब मंगनी मंगनी बलमुआ न दे फूलवा से जोखल बाड़े हमरे बलमुआ अरे घटी है तक के करा से ले अरे बोला बोला घटी है तक के करा से ले अरे हाय हाय घटी है तक के करा से ले नए एपिसोड में नए जवानन के साथ नए गवैयन के साथ नए जुनून के साथ एक बार फिर से रहुआ सबका बहुत बहुत स्वागत बा के बसिपाही के बा चोर के करा में बा कितना जोर आपन माटी आपन बल रहुआ सब देख रहल बानी पिरा दंगल टू रहुआ सब भी तैयार बानी हमनियों के तैयार बन जा कहो रानी हाँ हो तैयार बड़ल ना एकदम तैयार आजा ये देखा तो नहीं सबे ना एकदम दोनों तरफ का कलाकार लोग सज गए बा उतावला अपन बा कि जल्दी मंच पर चली अब दिखा दे बागी घराना एक तरफ विद्रोही घराना एक तरफ दोनों घराना का लोग एकदम पैतरा पर बा तब बाबू कांटे का दंगल हुई बाबू भिलंत का भिलंत हाँ हाँ हुई ना हुई लेकिन वो सब पहले का उसे पहले अपना जज महोदय लोगन का परिचय हुआ सबसे देता नहीं जो ने कार्यक्रम का नियम बा सबसे पहले हम विद्रोही घराना के सरदार के कुर्सी पर विराजमान ओए होए ओए होए हां हां सुरेंद्र यादव जी जब दुश्मन आगे पड़ जाला ये हमार विद्रोही घराना पटक के छाती पर चढ़ जाला पटक के का बात छाती पर चढ़ जाला माने पीठ पर ना देखा तो नहीं सबे ना पैतरा चेंज होत जात बा हथियार में और धार दिखाई देत रहल बा लड़वैया दोनों तरफ का तैयार बनन गवैया दोनों तरफ का तैयार बनन जज साहब का हौसला देख के आप लोगों के हौसला का पता हम लगा ले बनी कि आप लोगों के दिल में कितना हौसला बरानी बाबू बतावा आगे बतावा थी बाकी घराना जल्दी जल्दी ना ना तब रुवे बता ली नहीं तू बतावा ना ना बता ली नहीं नाराज जाइलो नहीं नहीं बिठा ली तब बाकी घराना के सरदार परशुराम यादव जी छाती में दहकत आगी हम अब विद्रोह का दमन करे वाला हमार घराना बागी है देखा तो दम हाँ दम है ये दम है ये दम ना ये दम है तो हम का कहते हैं कि ये दम है ना रे मर्द दिमाग कैला खराब कर रहा हूँ हवा जा अब आगे रुवा क्योंकि आगे भी कुर्सी बा तू हमके थी समझता हम थी ना, ना, ना। हम सोरा है ना ए बाबू सुना 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 हाँ। कबो कबो तो हर लक्षण ऐसा लगे लगे थी वो बनावे के पड़ जाला तो एक दिन ट्राई कला एक दिन ट्राई कला बात दूध का पानी का पानी हो जा भाई लोग भी देख रहा हूँ ना ना हमें कोनो दिक्कत नहीं तो ओके कबो कबो लक्षण दिखाई देत बा तो हम ओके तैयार बनी एक दिन तू आराम से ट्राई कर सकेलू चाहे जैसे भी ट्राई कर सकेलू जरूरत ना हमने के बात में खल जाए पहले आपका है कि बहादुर लड़वैया का मतलब की बात और मैदान छोड़ के भागे ना ए बाबू सुना सुना नहीं अब ट्राई पहले होई तब दंगल होई तो चला पहले ट्राई कर ले चला चला माइक धरा चला गुफा में चलावा ए बाबू रुकी 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 तब राय दे छोड़ी ये ट्राई बात में होत रही आप लोग के सामने हम देता नहीं परिचय पहले आप लोग सोचत हो कि दंगल करावत ना सके ये दोनों लड़ी हंस ना ना ये इतना इनका आदत है बतौली ना कि झगड़ा करता ऊपर से आई ले तोरा कुछ ना कर ले ऐसा बा कि जज साहब के तीसर की कुर्सी पर विराजमान बानी मशहूर गीतकार प्यारे लाल कभी जी कभी जी
हम बिरहा दंगल के सब श्रोता दर्शक भाई लोग के हाथ जोड़ के शीश झुका के सादर प्रणाम करतानी आ निहोरा करतानी कि रउआ लोग यही तरह आशीर्वाद बनौले रही। अब दोनों तरफ का कलाकार लोग तैयार बनन। सबसे पहले हम विद्रोही घराना के जज के कुर्सी पर विराजमान सुरेंद्र जी से जानल चाहता नहीं कि राउर घराना से आज ये स्टेज पर मंच पर आके अपने बिरहा के रस से सराबोर करे खातिर रुआ केकरा के भेजत हनी। हम अपनी विद्रोही घराना से लड़े खातिर के गावे खातिर के ओ बहादुर के भेजत हनी जेवना नाहर के नाम है बालचरण यादव। बालचरण जी आगे बनी मंच पर राउर बहुत बहुत स्वागत बा जोरदार ताली से स्वागत करी रानी। हाँ हो ता ता का बुलावा का मत करा बुलावा का मत कर रे भाई में का करू तब बागी घराना के सरदार परशुराम यादव जी रउआ केकरा के भेजतानी। विद्रोही घराना के कलाकार का हर तरह से जवाब देवे खातिर के हम वो गायिका के भेजत हैं जेकर नाम बा नीतू चंचल आ विद्रोही घराना में मचा दिया हलचल। खेत करी हा नवा में सगे रसी हा नवा में अरे फगरे लया चेहरा तोहार हे गोरी चला चली नदी के पार। बहुत रुआ सुंदर लगा तनी आ सचमुच बताओ तनी हम अपना दिल से जोड़ी इतना कचाका लगत है राजा। अब कार्यक्रम अपन अपन लोग प्रस्तुत करी एकरा बात पता चली कि जोड़ी जोड़ कह कि बेजोड़ कह। प्यारे लाल कवि जी से पूछा 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 हाँ हाँ तो ठीक है। प्यारे लाल कवि जी रउआ बताए कि आज पहले के गाई आ कौन रस गाई। आज ए अदालत से आदेश बा कि बालचरण यादव एगो हास्य रस का खूब बढ़िया बिरहा सुनाए। अरे वाह बालचरण यादव जी गई हां हास्य अरे तनी ताक दे तू ए अरे तनी ताक दे तू हमरे वरिया मर जाईती हो हम मर जाईती अरे बिना गंगा में नहाइले हम तर जाईती तू हमरे वरिया मर जाईती हो हम मर जाईती बिना गंगा में नहाइले हम। देखें साथियों महुआ चैनल के बिरहा दंगल टू में रुआ आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करते हैं और अपने तीनों न्यायाधीश महोदय का हम दिल से प्रणाम करते हैं और एक हास्य रस का बिरहा आप लोग के सामने प्रस्तुत बा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग जरूर पसंद करेंगे। कहना है औरतों से ही सृष्टि की रचना हुई है जहां सर्वशक्ति कहां दी है औरत औरत जन्म दे के मर्दों का यारो माता की ममता दिखाती है औरत। एडको वाली का तर्ज मास्टर वह गीत बा बाह बाह अरे चिलमनी हटा के आपने ए अरे चिलमनी हटा के आपने अरे गुलशन जला दिया चिलमनी हटा के अरे गुलशन जला दिया अरे चिलमनी हटा के अरे चिलमनी हटा के आपने
गुलशन जला दिया, अरे पायल बजा बजा के, अरे पायल बजा बजा के, अरे घायल बना दिया, पायल बजा बजा अरे घायल। लेकिन बिरहा में कवि जी लिखलन कि साया तले समाज का, अरे साया तले समाज का, आ दर्पण में प्यारी दर्पण में प्यारी। जैसे कहानी का शुरुआत है कि एक परदेसी बोला हंस के अपने नारी से, कमाने जाऊंगा गरीबी की लाचारी से, कमा कर घर अपने है प्यारी, जब कि आऊं मैं यहाँ आने पर तीन चीज पूरी पाऊं मैं, अरे मकान सुंदर, मकान सुंदर, कुआ आगे बनवाना होगा, रहूंगा घर नहीं पर बेटा जन्माना होगा। एक परदेसी नाम के आदमी रहलन, अपने औरत से कहलन कि हम जाती परदेश कमाए, हम घरे ना रहब, आ जब लवट के आई तो तीन काम तो के करे के हो, पहला काम कि मकान बनवा दिया, मकान के आगे कुआ बनवा दिया, हम केहू से कर्जा मत लिया, आ तीसरा काम देहला कि हम घरे ना रहब, आ जब लवट के आई तेठे लड़का पैदा रह के चाही, आ उहो शर्त रखला कि हमरे इज्जत में दागी वागी ना लगे के चाही। इतना शर्त जब रखला हा तो औरतिया कैलस का तर्ज बदल गई मास्टर, वह तर्ज बा बड़ा मुंह हर वर बिचकावत हो तनी हर ताका, अरे हमारे वरी तनी ताका भौजी, अरे हमारे वरी तनी ताका भौजी, तोहर कजरा बड़ा पाका भौजी, ली तो तर्ज हो। लेकिन गाना में कभी जी लिख ले परदेसिया काला चल गल परदेश कमाए, आ गाड़ी धर के ट्रेन पकड़ के परदेश कमाए गल, लेकिन औरतिया यहर कह कहत बा रोवत बा कहलस, अरे जी अरे बना गई ला पागल हो राजा, जोनियों में लगी लगल हो राजा, अरे गड़िया से पहुंचा गल गद्दा सारिया, चंडगल में मिल गई लीजे के नौकरिया, ए भैया गाड़ी पकड़ के कलकत्ता में गल, आ कलकत्ता में जाए के चटकल में नौकरी पाए गयल, अब जब चटकल में नौकरी पौलस तो महीना का एक महीना बीतल, पहली पगार मिलल वेतन, आ तनखा मिलल तो अपने औरत के नाम से लगा दलस की प्रिय, अरे ये तनखा तुम्हारे नाम से है, लेकिन तुम्हें जो तीन काम दे करके आया हूँ उसको पूरा करवाना। उ बेचारी पवलस तो कलस चिठिया पवलस, अब वेतन पवलस तो कलस की आय हाय हाय रे हम और करे जाऊ, कलस की बारे हम और करे जा पो पो, अरे बड़ा हमार ख्याल कैला हो, यह तर्ज बदल गेलु है तर्ज हो। रानी जी उ बड़ी तेज औरत रहल, उहो जब रुपया पौलस पता पागिल कि हमार सैया कलकत्ता में फला जगह फला गली मोहल्ला में रहत हुआ, तुरंत तो वही पता से वही रुपया से कलकत्ता गईल, तर्ज है बदल गईल कि रूपवा बनायल हलू बैग लग गईल हलू, अरे चल दारू रे लियौरी बस में, अरे चल दारू रे लियौरी बस में, एक गोरी कोस में रहा तर्ज है हाँ। लेकिन बिरहा में कभी जी भाव लिख ले कि गरिया में बैठ कर के चलाली सहारिया हो, नकिया में सोहैले नथुनिया, अरे नैना काकरिया, का
गईल जहां ओकर पति देव कलकत्ता में नौकरी करत लल, पता लगा ललस, अब पूछत पूछत पता लगा ललस कि यही गली यही मोहल्ला में रहल। हमेशा जोन हो तल घुघुटा कढ़ले रहे कि कहीं ऐसा न हो चबोकना पहचान जाए, हमेशा घुघुटा कढ़ले रहे, यही तर्ज भायल का मास्टर कहना है। अरे धीरे धीरे पहुंचल जहवा रहल सजानवा हो, अब बगल में खोली एक पानी का दुकानवा हो, अरे खाके बन करो सब चिकरिया। ए भैया पान का दुकान खुलस, आ एक रुपया में एक बीड़ा पान दे, पूरे कलकत्ता शहर में पान का सोहरज मत गई। परदेसिया कबो पान खैले ना रहल, जब ई खबर पवलस त राजा कलस की पान हमहू खाब रे। पान खाए बदे चल दल स्टेरी का भाव लगल मास्टर। अरे बरागी को अनुराग मिल गया, पाके नवल बसंती उड़ने लगा पराग। अरे पराग, अरे एक दिन परदेसियों पान खाए बदे चली आयल, आ जब पान खाए बदे आयल पनवा लगाए के देहली, आ धीरे से उंगुरिया से उंगुरिया दबाए देहली, अपने उंगुरिया से उनकर उंगुरिया दबाए देहली। अरे बाप रे परदेसिया सोचत है कि अरे बाप रे बाबी देहात के औरत पान लगावत बा इतना बढ़िया कि लोग मस्ती में झूमे लगत हुआ, रोज आवे लगल। आ इशारा कह के कनखी से बोलावे लगल रात में क्वार्टर पर, अब बत्ती वत्ती बुझाए दे, लाइट बुझाए दे, बोले बतियावे कहो त साय साय बोले बतियावे कि कहीं ऐसा ना हो कि पहचान जाए। ए भैया तुरंत अराल्हा में कवि जी लिखल कैसे मास्टर जिया। ए भैया औरतिया उनके अपने क्वार्टर पर बोलावे लगल रोज का नियम हो गल, आ जब क्वार्टर पर बोलावे तो लाइट बत्ती बुझाए दे, आई है रोज का पान बेच के पैसा जुटावे लगल, और उनके रोज क्वार्टर पर बोलावे लगल। खूब मौज मस्ती ले हलना है, अब गर्भवती हो गई तो सोचते कि घरे चल अब तई मन बहना करी कि हमार लड़का हो, एक निशानी देवे के चाहिए, पक्की सर्टिफिकेट देवे के चाहिए। तो औरत एक दिन बोला वाला सन लाइट बत्ती बुझावल रहल, मौज मस्ती लेके जब सुतल त एक ठयागी में लोहा डाल देहलस, आ डाल देहलस हर जब नाक बजे लगल त कैलस का लोहा निकाल लेहलस, आ लोहा निकाल के कैलस आल्हा में भाव मसल जियो। अरे चिहू की कैसे जिया से उठल पारा देसिया, अरे पीट के कपार माई बाप हो चिल्लाया, अरे खोल के केवारी भागल कोठारी से बाहर, अरे पिया ही बोलावे ले उ नहीं सुनत बा। ए भैया यार मौज मस्ती लेके सुत गईला, आ धीरे से आगी में से लोहा निकाल के आ ले जाए करे पर साठ दे दगबे त कैलस, आ चिहू के उठल, आ जब उठल आ वही समरे बाप रे बाप गन 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 कांपत है लगल, हनुमान चालीसा पढ़ है श्री गुरु चरण सरो जरजा निज मन मुकुर सुधार, दोही बजरंग बली महाराज का जान बचाया बजरंग बली। अरे ये औरत है कि डाइन है चुराइन है रे बप्पा, ए भैया खोल के क्या बारी भागल कोठरी से बाहर, अरे पिया ही बोला वाले वो नहीं सुना दबा। ए भैया कैसो कैसो रात में धर के वड़िया न मिलत बा, आ खोल के केवाड़ी भागल, अरे बाप रे बाप भगावल चादर भगा दलस, आ जब भगा दलस आइल पहले घरे, आ सीधे जाके भट्टा मालिक से भेंट कैला, सीटा गिरा लगल, कारीगर लग गईल, मकान बन के तैयार हो गल, कुआं खड़ा गल, आ नव महीना बीतल एक लड़का पैदा हो गल, आ यार लड़का पैदा हो गल जिंदगी में बाहर आ गईल, और चार साल के बाद परदेसिया घरे आयल, कहाँ टूटहिया अटैची लेके गल आज भी आई पी अटैची, एक किलो मीठा ले हले हो चली आवत हो, लोगों से पूछलस कि हमार खड़हर मकान रह लाल कोनो कब्जा के हो कहल ना का, लोग कहला कि का परदेसी बोली बोलत हुआ का, गईला घरे जाके अपने औरत के देखला कि अरे भगवान मकनवा कोमा लौका था ठीक है लईकवा ना पैदा हो कै, नहीं तो खनगिरी हमारे इज्जत में दाग लगा देले हुई। ए भैया गईले घरे में, आज यही घरे में गईले तबले लड़कवा रोवे लगल, उठा के लड़का अपने औरत के पास पहुंच के ओकर बाल पकड़ के लगले मारे,
जब मारा लगला तौरत रोवे लगल कलस की तोहरा लड़का हा मारा मत ना मानत हुआ तब गांव के मुखिया प्रधान के बुला लिया इल प्रधान जी अइले तब परदेसिया कलस की प्रधान जी जब हम परदेश जाए लगली तेन से कह के गईली कि तीन काम दे के गईली कि मकान बनवा दिया कुआं खनवा दिया आ हम जब लवट के आई तो तोरे गोद में लड़का पैदा रहे के चाहिए केहू से न कर्जा लिया न हमरे इज्जत में दागी लगे तो हे प्रधान जी मकान और कुआं तो कैसो बन गल लेकिन ई हमरे इज्जतिया में दागी लगा देलस की बचल बा तब औरतिया कहत बा का गलस खड़ी में मास्टर कैसे गलस अरे सुना प्रधान औरतिया कलस की प्रधान जी ये नहीं के लड़का हो अरे जब कलकत्ता में गई ना तब महीना का पहली तनख्वाह भेजलन पता वता भेजलन पूछा भेजलन कि ना कल भेजल तना रही जब कहत हुई तो मान लो ए भैया सकार लला तो कलस की वही रुपया से वही पता से हम कलकत्ता में गई ली आ जाके पान का दुकान खोल ली पान का नाम ले हलस तो इची हो गल परदेसिया कहलो सर ए यह रह कार है जो उन्हें के संग वहां फांसा लहली अरे बाप रे बाप कलस की प्रधान जी अगर आपके विश्वास ना हो इनका विश्वास ना हो तो इनका निशानी हार के देखल जाए ए भैया परदेसिया हाथ जोड़ के कलस हाथी जोड़ के क्षमा मांगने लगा धन्य हो रानी झुका शर्म से परदेसी सब बाग गया भामानी अरे हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगा धन्य हो रानी अनारी धैलस तब चरा नवा बने कबीरावा तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मरबा का स्वर्ग का चंद्र का कबीर बचन का बीजा बता का बाबा जी को अनुराग मिल गया बाल चरण गज नारे से बुझ गई बदन की आग बैरागी भजन राग अरे वाह बहुत बढ़िया जिया 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 कर जाऊ तई रहे बाल चरण यादव जी हासरस में रहुआ सबके हासरस से सराबोर कैला अब इनका जवाब देवे खातिर वह सबके बीच में हम बोलाई नीतू चंचल जी के एकरा पहले